उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तीन तलाक का मामला सामने आया है। गर्भवती पत्नी को फोन पर तीन तलाक दिया। महिला का कहना है कि जीजा जी ने बहकाया है पति को। यूपी के बांदा में एक बार फिर तीन तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शौहर ने दहेज में बाइक, 5 लाख रुपए और सोने की चेन ना मिलने पर शादी के महज 8 महीने बाद बहनोई के कहने पर अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता के गर्भवती होने के बावजूद ससुराल वालों ने उससे मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता अपने ससुराल वालों की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने तुरंत महिला के शौहर सहित 7 ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर लिया है। मामला चिल्ला थाना के शादी मदनपुर गांव का है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह 18 अगस्त 2022 को हुआ था, जिसके बाद से लगातार दहेज के लिए उसे परेशान किया जा रहा है और अब वो गर्भवती है। उसे असहाय बेसहारा घर से निकाल दिया गया है।